क्या नवाज शरीफ की सेहत ठीक है? क्या लीगी कायद वापस आएंगे? साबिक वजीर आजम को किन किन तिब्बी मसाइल का सामना है? बरतानिया के रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर कार्लो डी मारियो ने जारी की, जो लाहौर के हाईकोर्ट में जमा करवा दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नवाज शरीफ को अब भी दिल के आर्जी की अलामत हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से उन्हें पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलो अप की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया कि माजी की बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी के सबब नवाज शरीफ का मुसलसल चेकअप किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि माजी की बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी के सबब नवाज शरीफ का मुसलसल चेकअप किया गया। नवाज शरीफ को एंजाइना अलामत और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से रोका गया। रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल की रिपोर्ट में बताया गया है कि मर्ज की अलामत बढ़ गईं तो नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी दोबारा करने का फैसला हुआ। नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी नवंबर 2022 में की गई। इस दौरान नवाज शरीफ को स्टंट भी डाले गए।